नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर महिलाओं ने योग कर बीमारियों से बचने के दिए टिप्स। खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के बीचों बीच स्थित आर्य समाज स्कूल परिसर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने योग कर अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के टिप्स दिए, तथा साथ ही योग करती महिलाओं ने बताया कि वह लंबे समय से अनेक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उनके लगातार योग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हो चुकी है, तथा इसके साथ ही योग के फायदों के बारे में बताया कि आज उन्होंने अनेक प्रकार के योगासन किए हैं। योग एक ऐसा आसन है जो सिर्फ बीमारियों को नहीं बल्कि तनाव एवं चिंताओं को भी दूर करता है और शरीर को निरोग बनाता है। जिस आदमी की उम्र भी लंबी हो जाती है, इसलिए निरोग जीवन जीने के लिए योग करना अति आवश्यक है। इसको देखते हुए सभी को योग करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि योगा कर अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पा चुकी महिलाएं किस तरह अपनी आप बीती सुनाकर उजागर करती नजर आ रही है। सुनिए कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। योग से बहुत फायदा है हमारे जीवन में, जो इतनी आपा धातु मची रहती है और मनुष्य परेशान रहता है, योग करने से दिमागी शांति मिलती है, परेशानी कम होती है, शारीरिक मानसिक दोनों में उसे आराम मिलता है। और जीवन में अगर योग को अपना लें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और आजकल इस दुनिया में इतने सभी ने अपना रखा है, आज भी कम से कम 21 देशों में योग हो रहा है। इसमें पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तासन और मकर आसन और गोमुखासन और सूर्य नमस्कार मेन जो किया है, सूर्य नमस्कार। ये इंडिया में या बाहर, अमेरिका में, ब्रिटेन में, और इन्हें अब सऊदी अरब के बहुत से देशों में मनाया जा रहा है, जहाँ पहले नहीं मनाया जाता था वहाँ भी मनाया जा रहा है। अरे तो ये आज ही नहीं मनाया, हमारा योग केंद्रीय कम से कम 30 साल से चल रहा, ये आज का नहीं, ये रोज योग में होता है, यहाँ 30 साल से बराबर चल रहा है हमारा योग केंद्र, महिला योग उर्मिला ठाकुर। मेरा नाम पवन है, मुझे सर्वाइकल की बहुत बड़ी समस्या थी, मुझे हर समय कॉलर लगाना पड़ता था। अब यहाँ आने से ये योग हमारे समाज में करते हैं, मुझे लगभग 6-7 साल हो गए और तो मुझे अब काफ़ी आराम है, कई बीमारियों को आराम मिलता है, जैसे मुझे नींद न आने की परेशानी थी उसको भी राहत है और सर्वाइकल को भी आराम, और नसों में जो खिंचाव होता है वो भी उसके जो है आसनों से आराम मिलता है। और आर्य समाज में योग करते हैं हम लोग, रेगुलर होता है, और मेरे नाक का मांस इतना बढ़ गया था कि मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, और मुझे सरला जी हैं हमारे योग की, तो वो मुझे यहाँ लेकर आई थी और मुझे इतना फ़ायदा है, मैं सर्जरी करने से बच गई। कम से कम 20 साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए, हमारा मैसेज यही है कि सब लोग योग करें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे यही वो है कि सब योग करें।